शुक्र अदा करना चाहती हूँ हमारे सिद्धरामैया जी का, और मुबारकबाद भी देना चाहती हूँ। इसी के साथ साथ राहुल गांधी जी जो हम सबको जोड़ रहे हैं, आगे में हम देख रहे हैं कि मोदी जी कैसे हमारे देश को तोड़ रहे हैं, कैस्टिज्म को लेके, जात पात को लेके, मुसलमान हिंदू डिवाइड करके हमारे धर्मों को लेके हम लोगों को तोड़ रहे हैं। हम लोग आपस में एक हैं, हिंदू मुसलमान एक होके हम सब एक हैं, मगर ये पार्टी बस सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके डिवाइड कर रही है। तो मैं आज ये बताना चाहती हूँ कि एक तरफ है हमारे राहुल गांधी जी जो अपनी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोले हुए हैं, न जात देख रहे हैं न पात, सिख ईसाई मुस्लिम हिंदू हर धर्म को साथ में लेके जोड़ के सबको गले लगाते हुए चल रहे हैं। आप सब लोग रोजाना देख रहे हैं, छोटा ना बड़ा, ना पैसे वाला ना गरीब, हर एक के साथ गले लगा के हमारे हिंदुस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं। वो एक बहुत ही एजुकेटेड और जाने माने इंसान हैं, और राजीव गौड़ा सर जो हमारे यहाँ के एमपी कैंडिडेट हैं, बहुत ही कनाडा यूनिवर्सिटी से एजुकेशन पाए हुए हैं, तो बहुत ही हमारे लिए उम्दा कैंडिडेट चुना है राहुल गांधी जी ने। तो हम आप हर एक से दरख्वास्त करते हैं कि इस इलेक्शन में काम धाम सब छोड़ के सबसे पहले आप हर पोलिंग बूथ पे जाके अपना वोट दे, ताकि इस इलेक्शन में सबसे पहले हम लोग आगे हो जाए और हमारे देश को और हमारी कौम को हर एक को हम बचाते हुए हर बेनिफिट को हम लुत्फ उठाते हुए हम अपने इसको आगे बढ़ाए। और मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह से 5 गारंटीज हमारे सिद्धरामैया जी ने, जो हमारे राहुल गांधी जी ने पेश की थी, सिद्धरामैया जी ने उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया, 2-3 महीनों के अंदर अंदर इम्प्लीमेंट हुए, और मोदी जी ने जो गारंटी दी थी आज तक उसका कोई नामो निशान नहीं है। मोदी जी क्या गारंटी दी थी? मोदी जी ने जो अपने अकाउंट में 15 लाख रुपए जो आएंगे करके गारंटी दिए थे, आज तक ना एक 15 लाख तो दूर है, 1 लाख भी कहीं भी नहीं आया है। आप किसी से भी पूछ लिए, बस झूठी सियासत करते फिर रहे हैं। जो गारंटीज कांग्रेस ने दी है, हर घर घर जाके आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हर महिला उसका लाभ उठा रही है। जैसे कि अपना बस फ्री कर दिए हैं महिलाओं को, 2000 रुपया गृहलक्ष्मी आ रहा है, गृह ज्योति का लाभ उठा रहे हैं, युवा निधि का लाभ उठा रहे हैं हर एक। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे राहुल गांधी जी का और सिद्धरामैया जी का, डीके शिव कुमार जी का, जो हमारे गवर्नमेंट को इतना आगे बढ़ा रहे हैं, हर एक को साथ लेके चल रहे हैं, हर गरीब की परेशानी तकलीफ देखकर उसको मदद कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनका बहुत शुक्र अदा करना चाहती हूँ, और आप नाजरीन से हर एक से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि आप सभी जल्द से जल्द पोलिंग बूथ पहुंचे और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना वोट कैश करें। तो खुशहाल नगर वार्ड में माहौल कैसा है, वोटिंग का माहौल कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी तो सारी हो चुकी है, और मैं इतना बता सकती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ से वोट आएंगे और हम लोग जरूर जीतेंगे। इतना कॉन्फिडेंट है कि मैं 100% से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट देती हूँ कि जरूर हम लोग। तो क्या आप एसी श्रीनिवास साहब या एमएलए साहब हैं, उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? हमारे एमएलए एसी श्रीनिवास साहब एक ऐसे इंसान हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऊपर के दर्जे नहीं, हम सबको हाथ में हाथ लेके एक दूसरे के साथ सब हमारे साथ चल रहे हैं। सर ऐसा कोई एमएलए है हमारे साथ, खुद वो आते हैं, खुद कैंपेन करते हैं, खुद आते हैं, खुद देखते हैं, हमारे गली गली में आकर पूछ रहे हैं कि क्या परेशानी है, कहाँ पानी की दिक्कत है, कहाँ मोहरी की दिक्कत है, ये सारे प्रॉब्लम्स को वो खुद हमें बुला के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और उनके गाइडेंस से हमें बहुत सारी मदद भी मिल रही है। उन्हीं के इससे हम सारे गलियों को, कुचों को सब हम क्लीन करते जा रहे हैं। तो क्या तुम्हारे खुशहाल नगर वार्ड के तमाम लोगों को 5 गारंटी का फायदा मिल रहा है क्या? मिल रहा है सर, हर गारंटी का। आप चाहे तो हर घर घर जाके इसको पूछ कर
आप ये चेकआउट कर सकते हैं सर इस गारंटी तो कल आखिरी दिन है, हाँ पोलिंग है, हाँ जी, तो एक लेडीज हैं आप, हाँ तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लेडीज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं हर लेडी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि सिर्फ ये 2000 नहीं, इसके साथ अभी हर साल एक लेडी को गरीब घराने से